सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इजी टू ओटके को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर अल्लाह के नाम से जिस को बेहद खूब जानता है, देखती हैं सुनते का नाम को चाजा फिल्म का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अब सर के बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सुबह सुबह नमाज पढ़ के मैं लेट भी थी, तो अभी मैं करने लगी थोड़ा सा काम, तो मैं आपको दिखाऊँ कि अभी मेरे पौधे जो है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखिए मेरे पौधे माशाल्लाह जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये जो मोतियों की कलियाँ थी इसके ऊपर जितनी भी लगी सारी खिल चुकी है और पौधा भी जो है काफ़ी बढ़ गया है। इधर जो मेरी पालक है वो भी ये देखिए माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। बस थोड़े दिनों तक मैंने इसको कटिंग करके तो फिर मैं अपने जो किचन गार्डन है छोटा सा बनाया है, इसकी ये घर की जो पालक है उसका सालन बनाऊँगी। तो आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे इसको कटिंग करके बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है ये इधर सरसों के जो बीज है वो उगाने की कोशिश की है कि चलो जो सरसों का साग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे घर में आप इजीली उगा सकते हैं। इधर जो है ये पुदीना है तो ये भी देख लें माशाल्लाह से। यहाँ पे ये देखें ये जो दूसरा मोतिया है उसको भी काफ़ी सारी नई डोडियाँ लग चुकी हैं, ये देखें बस खिलने वाली हैं। काफ़ी माशाल्लाह जो पौधे फूल है वो मेरे बढ़ चुके हैं। इसको भी ये देखे नए फूल बीज लग चुके हैं। ये नियाज़बू है और कुआर गंदल भी जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। ये गुलदपैरी इसकी भी नई बन रही हैं अब डोडियाँ। यहाँ पे ये देखें ये येलो धूप निकलते ही इसने सारों ने खिल जाना है। तो इधर ये देखे लेमन जो है वो भी माशाल्लाह से नए फूलों के साथ भर गया हुआ है, ये देखें। और जो पहले थे लेमन वो देखें ये भी बड़े हो रहे हैं, पहले लगे हुए थे। एक इधर लगा हुआ था, एक ये आप देख सकते हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये बाकी जो है ये देखे काफ़ी सारे जो फूल हैं इसके नए, तकरीबन ये सारा जो पौधा भरा हुआ है। इधर भी ये जो कलियाँ थी इनकी भी ये देखें, मोती का जो फूल है इन पे भी काफ़ी सारी डोडियाँ लग चुकी हैं जी। इधर जो बैंगन की पनीरी लगाई हुई थी वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है और ये देखें सबके ऊपर तकरीबन जो इसकी डोडियाँ हैं वो लग चुकी हैं, फूल भी खिल रहे हैं, ये देखें ये देखें। और ये जो अंडे के छिलके डाले हुए हैं वो इनकी ग्रोथ के लिए डाले हुए हैं ताकि खाद के साथ साथ इनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। इधर भी ये काफ़ी सारी फैल चुकी है, इसकी भी नई अब डोडियाँ बनने वाली हैं। पहली जो थी वो बन के खिल चुकी हैं, ये लिली के फूल वगैरह सारे देखें। सुबह सुबह मौसम भी बहुत अच्छा है, बच्चे अभी सोए हुए हैं, अभी मैंने इनको उठाना है। तो मैंने भगोया हुआ था रात का कंबल, मैं आपको दिखाऊं कि आप इजीली कैसे अपना ब्लैंकेट जो है वो घर में वॉश कर सकते हैं। तो ये मैंने भगोया हुआ था, अभी मैं इसे निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसे वॉश करूंगी। इतना बड़ा टब खुला जो था वो मेरे पास नहीं था, टब छोटे थे, तो मैं मोस्टली जो कंबल है वॉशिंग मशीन में ही रात को भगो देती हूँ और ऊपर कवर कर देती हूँ। तो सुबह के टाइम पे फिर जो है ना वो उसको मैं सुबह सुबह धो देती हूँ, ताकि सूर्य निकलने से पहले पहले जो हमारा कंबल होता है निचड़ जाता है और उसके बाद फिर तू मैं फैला देती हूँ। अभी मैं इसको इसका जो सारा पानी वो निचड़ने के लिए रखूंगी। ये दो मैंने सीड्स रखी हैं इधर, तो थोड़ा थोड़ा करके अब इसको ऊपर रखूंगी। अगर हमारा दिल चुका है अच्छी तरह निचड़ चुका है, अभी मैं इसको फैला के आऊँ छोड़ के।
बच्चे जो है वो इन्हें मतलब से छोड़ने गए हुए हैं उनके डैडी, तो मैं बहुत बाकी तो अपना काम करके फारग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा सुबह सुबह पता है नाश्ता तो किया नहीं जाता, तो मैंने रात खजूरें भिगोई हुई थी दूध में, अभी मैं उनका शेक बनाऊंगी। ऐसे मोस्टली तो मैं लस्सी पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें थोड़ा काम भारी किया है, थक गई थी ज़रा कंबल वॉश करके, तो मैंने कहा चलें मैं आज इसको ग्राइंड करके जो खजूरें हैं वो ग्राइंड करके इनका शेक बना के पी लेती हूँ। खजूरें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, आप इसमें नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन मैं सिर्फ जो है वो खजूरें ही ऐड कर रही हूँ। रात की भिगोई हुई थी अच्छे से, वो अच्छे से भीग चुकी हैं, तो मैंने पहले उन्हें अच्छे से ग्राइंड किया है और ये फिर बाकी का दूध डाला। शुगर मैंने इसलिए नहीं ऐड की कि आपको पता है कि खजूरें खुद ही मीठी होती हैं। खजूर का मिल्क शेक जो है इंस्टेंट रेडी हो चुका है। ये आपको फौरन एनर्जी देता है, आप अगर आपका दिल नहीं करता खाना खाने का थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप शेक वगैरह कोई भी बना के पी सकते हैं, लेकिन जो खजूरों का शेक है इसमें आप नट्स वगैरह भी ऐड कर लें तो ये आपको फौरी एनर्जी देगा और आप जो थके थके महसूस करते हैं वो आपकी थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। जी तो अब इस दुआ के साथ के जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और अपना बहुत सारा दुआ ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल जो बटन है सैड रेड सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर लें, और उसके साथ ही बेल आइकॉन का बटन होगा उसको प्रेस करने से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो सबसे पहले देखने को मिलेगी वो भी फ्री में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और थंब लिंक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा कि मुझे आपको आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। अब इतनी इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।